नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मोनू सागर और आज मैं अपनी गाड़ी का करने जा रहा हूँ इंजन ऑयल चेंज। और इंजन ऑयल जो मैं डालने वाला हूँ यह है कैस्ट्रोल का क्रूज़। साथ में मैं रिव्यू करने वाला हूँ ऐसे मोबाइल होल्डर या मोबाइल माउंट कह सकते हैं। और मेरे पास आया गोल्डन राइडर्स की तरफ से एक बॉक्स, तो इसको भी इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इंजन ऑयल चेंज कर लेता हूँ। इंजन ऑयल अपनी गाड़ी का मैं पहली बार चेंज कर रहा हूँ और वो जूम कर लेते हैं 1876 कह दूँ, ठीक है। तो इंजन ऑयल देख लेते हैं इंजन ऑयल कैसा है। देखिए गाड़ी 1800 किलोमीटर चल चुकी है पर इंजन ऑयल देखिए आप, इंजन ऑयल अभी भी बिल्कुल क्लीन है। एक बार मैं टच करता हूँ, ठीक है, इंजन ऑयल बिल्कुल साफ था, क्लीन था मतलब। फिर भी मैं चेंज कर रहा हूँ और 1800 किलोमीटर पहली सर्विस में रिकमेंडेड करते हैं कि 500 किलोमीटर कर देनी चाहिए चेंज। मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या इंजन में कुछ पार्ट घिसते हैं, तो आप देख सकते हैं इंजन ऑयल बिल्कुल क्लीन है। और लगे हाथ ऑयल फिल्टर भी सॉरी एयर फिल्टर भी चेक कर लेते हैं कि एयर फिल्टर की क्या कंडीशन है। एयर फिल्टर की कंडीशन थोड़ा ख़राब है, डस्ट काफ़ी ज़्यादा जम चुका है। तो मैं डालने वाला हूँ कैस्ट्रोल पावर क्रूज़, आप देख सकते हैं कैस्ट्रोल पावर क्रूज़ इंजन ऑयल। मेरी नज़र में कैस्ट्रोल काफ़ी बढ़िया है और मैं इसको यूज़ काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने के कई कारण हैं। मैंने सेल यूज़ कर रखा है पहले से ही और हमारा मोटुल तो मैंने यूज़ नहीं किया है अभी तक का। मोटुल भी अच्छा है पर सब सेल और मैंने कैस्ट्रोल यूज़ किया है और अभी तक का मेरी नज़र में कैस्ट्रोल मेरे को काफ़ी बढ़िया तेल लगा है, इसलिए मैं कैस्ट्रोल तेल यूज़ कर रहा हूँ। और मेरी गाड़ी 1800 किलोमीटर चल रही है। इसके बाद मेरा जो मैंने नेक्स्ट टारगेट है यह है 5000 किलोमीटर की, 5000 किलोमीटर चलती है उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में नेक्स्ट सर्विस करूँगा और RH कवर खोल के आपको दिखाऊँगा कि गाड़ी का तेल कैसा है, इंजन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या इंजन नॉइस इससे ख़त्म होती है या नहीं होती है। तो इसी बीच में हमारे साथ आ रखी हैं दीप्ति बिष्ट, देख सकते हैं आप। तो यही वो महिला हैं जिन्होंने स्टार्टिंग के टाइम पर मेरा काफ़ी सपोर्ट किया था और हमारे चैनल पे जो सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यू हैं वो दीप्ति बिष्ट जी के ही हैं। और इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है और जिसका नाम है दीप्ति बिष्ट, ठीक है। तो मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा, एक बार विजिट करिए। सो फ्रेंड्स मैं यहाँ आई हुई थी तो अनबॉक्सिंग करने। सो फ्रेंड्स मैं स्कूटी ट्रेनर हूँ, स्कूटी सिखाने के बीच में मोनू भाई से मिलना एक हैबिट टाइप की बन गई है क्योंकि यूट्यूब में इन्होंने ही मेरा अकाउंट बनाया था तो आज बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी मेरी। इस बीच में यहाँ मोनू भाई के पास आया हुआ है, देख सकते हैं आप, गोल्डन राइडर्स की तरफ से एक बैग देख सकते हैं। इसको आप अपनी बुलेट पे या कोई सी भी बाइक पे यूज कर सकते हैं। देखिए इस वाली पॉकेट में आप अपना फ़ोन रखने के लिए बहुत यूजफुल है, आप अपना फ़ोन इसमें बढ़िया तरीके से रख सकते हैं, आपका फ़ोन एकदम सेफ रहेगा। और देख सकते हैं मैग्नेट लगा हुआ है अंदर से, बहुत बढ़िया तरीके से चिपका हुआ है, देख सकते हैं आप। देखते हैं दोस्तों पूरा बढ़िया तरीके से टच काम कर रहा है। ये बैग गोल्डन राइडर्स की तरफ से भिजवाने का उनका मेन मोटो यही था कि हमारी गाड़ी पे हम सेफ रहें, सेफ्टी के साथ चलें क्योंकि नेविगेशन के लिए ये बेस्ट एंड बेस्ट बैग है। अगर हम यहाँ पे अपना मोबाइल फोन लगाते हैं तो हमको गिरने का रिस्क रहता है थोड़ा सा, आपका फोन काफी महंगा है, इसको आप अपने डेली यूज में भी प्रयोग कर सकते हैं। खाली से इसको देखिए ऐसे रख लिया और सेफ है, आप बुलेट राइड करके जहां मर्जी वहां जाइए और बैग को उठाकर इजीली आप ले जा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप ये बैग खरीदना चाहते हैं गोल्डन राइडर्स, अगर आप ये बैग खरीदना चाहते हैं तो इस बैग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका रेनकोट भी है, अगर आपको लगता है बारिश में भीग जाएंगे तो बिल्कुल इजीली आप इसको पहना सकते हैं और ऊपर से होल्ड कर सकते हैं और काफ़ी इजी और आसानी से लग जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्डन राइडर्स। थैंक यू सर, आपने मेरे को बहुत अच्छा प्रोडक्ट भेजा और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इससे क्योंकि मैंने यहाँ पे माउंट करा था, मैं दिल्ली गया था राइड के लिए। दिल्ली से जब वापस आया तो मेरे मन में हाईवे पे गाड़ी चलाते समय एक ही डर था कि कहीं मेरा फ़ोन गिर तो नहीं जाएगा, इसीलिए मैं इसको यूज़ करूँगा। थैंक यू। और बाकी गाड़ी में फ़िलहाल इतना ही है,
और दीप्ति बिष्ट आई, आज ये कॉलेज वीडियो था और काफ़ी अच्छा लगा कि दीप्ति बिष्ट जी हमारे चैनल पे आई। और आप भी मेक श्योर एक बार उनके चैनल पे जाएंगे, वीडियो देखिए उनकी, लाइक करिए और उनको भी थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। भी एक बार दीप्ति जी के चैनल पे आएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे जैसे आप मेरे को करते हैं, दीप्ति जी को भी करिए। और काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं, प्रैंक वीडियो, मुझे पर्सनली खूब मज़ा आता है इनके वीडियो देखने में। सो फ्रेंड्स, दीप्ति बिष्ट नाम से आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएगा, लिंक मोनू भाई के डिस्क्रिप्शन में पक्का मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स एक बार देखिए वीडियो, अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स बहुत जल्दी मेरे चैनल में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।